कौन सा क्वेश्चन था भाई? फिर से कहानी शुरू कर दी। ओके, इधर देख के बोलने, इधर कैमरा पे। हो गया। सो दूसरों से बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बिकॉज फर्स्टली मैंने नहीं सोचा था कि एवरी मंथ होगा। मैंने मंथली सब्सक्रिप्शन ऑन नहीं करी थी इसकी, ईयरली सब्सक्रिप्शन होती तो शायद वो कर लेती। बट इनिशियली जब मुझे पता चला, मुझे अपने दोस्तों से पता चला था जब मैं 6th या 7th क्लास में थी कि ऐसा ऐसा होता है, तो मैंने मम्मी को बताया या बहन से डिस्कस करा तो पता चला हाँ होगा। बट मैंने सोचा था एक ही बार होगा और होकर ख़त्म हो जाएगा, ज़िंदगी बेटर हो जाएगी, एंड यू नो यू बिकम अ फीमेल इज़ व्हाट इट इज़। बट इट्स एन एवरी मंथ सब्सक्रिप्शन विच ऑनेस्टली नहीं चाहिए थी, बट जब हुआ तब बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि एक तो नहीं पता था कि एवरी मंथ है, और दूसरा ये लगा कि यू नो इट्स अ सेइंग कि यू कैन यू बिकम अ फीमेल जब आप डाउन होते हो। तो मेरे लिए वो अर्ज ज़्यादा थी। मेरे लिए इट वॉज नॉट कि ओ माई गॉड व्हाट हैज़ हैपेंड माई वजाइना इज़ ब्लीडिंग, नो, इट वॉज़ वेरी सिंपल दैट फाइनली आई एम ऑन द सेम प्लेस एज माई फ्रेंड्स एंड माई सिस्टर आर। सो दैट वॉज अ बेटर थिंग फॉर मी। बट वेन दिस थिंग हैपन अगेन एंड अगेन आज तक, अब मैं स्केयर होती हूँ कि ये क्या हो रहा है और ये कब तक क्या सीन है इसका। बट मोर और लेस इट्स ऑब्वियसली क्लीनिंग ऑफ आवर सिस्टम। तो एट द एंड ऑफ द डे स्कूल में जब जाती थी तो दोस्तों को जब होते थे, देन वेन दे यूज टू गेट डाउन माई गर्ल फ्रेंड्स, तब हो लगता था कि मैं क्यों नहीं हो रही, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड आई थिंक आई गॉट डाउन इन 10th और 9th क्लास विच इज़ वेरी लेट। सो आई हैड द नॉलेज, आई यूज टू कीप अ पैड ऑल्सो कि अब हो जाऊँ डाउन। अभी तक डिस्कम्फर्ट या कोई कम्फर्टेबल तो होता नहीं, अभी भी वाइट नहीं पहन सकते, स्टेन लग जाएगा, एंड यू नो यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर टू कीप ऑन चेंजिंग इट इन द मिड्स ऑफ द होल डे, यू आर गोना चेंज योर पैड्स एंड इट्स अ टास्क। सबको, सारी गर्ल फ्रेंड्स वर गोइंग लाइक दे ऑलरेडी हैड गॉन थ्रू देयर पीरियड्स, फर्स्ट पीरियड। सो फॉर मी इट वॉज थैंक गॉड लाइक मोमेंट ऑफ रिलीफ